महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में ऐसे दल शामिल हैं जिन पर घोटालेबाजी के कई आरोप हैं, और इस बार भी वे सरकार में इसलिए शामिल हुए हैं ताकि जनता का पैसा लूट सके। और अब कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी अपनी जेब भरने और जनता का पैसा लूटने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी इशारों ही इशारों में खुद बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा को पीछे छोड़कर शिवसेना के साथ क्यों शामिल हुई है। दरअसल महाराष्ट्र की एक राज्य मंत्री ने साफ कहा है कि अभी सरकार बनी है और अब हमारी जेब गर्म होगी। मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि राज्य में सरकार बन गई और उसमें मंत्री मैं हूँ, लेकिन जेबें भरना अभी बाकी है। राज्य के वाशिम जिले में सभा को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा कि अब तक हमारी सरकार पावर में नहीं थी, अब मैं मंत्री बन गई हूँ, लेकिन हमें अभी अपनी जेबें भरना बाकी है। हालांकि बाद में उनके बयान पर हंगामा शुरू हुआ तो मंत्री जी सफाई दे दी, फिर कह रही है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन यशोमती ठाकुर के मुंह से वही निकला है जिसके लिए महाराष्ट्र में बेमेल गठबंधन हुई है। तभी तो मंत्रालयों और विभागों के बंटवारे में भी शिवसेना और एनसीपी के पास वही मंत्रालय है जिसमें भरपूर पैसा है। बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र की जनता के पैसों से मंत्री और विधायक अपनी जेब भरेंगे तो विकास कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।